नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, युवराज सिंह के इस साथी के बारे में कोई नहीं जानता। इस खिलाड़ी का नाम है वेणुगोपाल राव। आप देख सकते हैं इस खिलाड़ी ने कितने रिकॉर्ड बनाए और कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक समय पे चीफ सिलेक्टर भी कंफ्यूज हो गए थे कि इस खिलाड़ी को क्यों ना लिया जाए। इस खिलाड़ी ने फेरा इंग्लैंड के इतने बड़े स्कोर पर पानी। 16 वनडे मैच और 218 रन, महज 24.22 का औसत और स्ट्राइक रेट सिर्फ 60। ये आंकड़े हैं वेणुगोपाल राव के, जिन्होंने मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वेणुगोपाल राव भले ही टीम इंडिया के लिए ज़्यादा कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन राव ने अपने टेस्ट करियर में एक ऐसी पारी जरूर खेली थी जिसने सिर्फ भारतीय चयनकर्ताओं को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की पूरी टीम को चौंका दिया था। साल 2004 में वेणुगोपाल राव ने साउथ जोन के लिए खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी में शानदार दोहरा शतक जड़ा था। ये डबल सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड ए के खिलाफ लगाई थी। 501 रन का जो विशाल लक्ष्य था उसे बोना बना दिया था। मुकाबला गुड़गांव के मैदान पर हो रहा था और इंग्लैंड ए ने साउथ जोन को 501 रन का विशाल लक्ष्य दिया, जिसे वेणुगोपाल राव की नाबाद 228 रनों की पारी ने बोना साबित कर दिया। वेणुगोपाल राव ने इस मुकाबले में 7 घंटे 47 मिनट तक बल्लेबाजी की। वेणुगोपाल ने श्रीधरन, श्रीराम और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ के साथ मिलकर 2 डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप की। श्रीराम के साथ उन्होंने 226 और फिर बद्रीनाथ के साथ राव ने 212 रन की अजेय साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई। वेणुगोपाल की इस पारी ने उन्हें भारतीय सिलेक्टर्स की नजरों में ला खड़ा कर दिया और अगले ही साल उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी किया। वेणुगोपाल ने दाम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया और वहां पे उन्होंने रैना के साथ भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। रैना इस मैच में 0 पर आउट हुए, वहीं वेणुगोपाल राव ने 38 रन बनाए। हालांकि बाद में रैना काफी आगे निकल गए और वहीं वेणुगोपाल राव का करियर महज 16 वनडे मैचों में ही सिमट गया। वेणुगोपाल का जीवन बेहद ही गरीबी में बीता। वेणुगोपाल राव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता महज 7000 रुपये महीना कमाते थे। वेणुगोपाल के 4 भाई और थे। हालांकि इसके बावजूद वेणुगोपाल राव ने महज 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वेणुगोपाल ने भारत की अंडर 16 वेणुगोपाल राव और सचिन को अपना आइडल मानते हैं। 19 टीमों ने जगह बनाई और इसके अलावा साल 2000 में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनाई। उसके बाद टीम में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह उनके साथी रहे थे। वेणुगोपाल ने फर्स्ट क्लास मैचों में 7000 रन बनाए। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 4000 से ज़्यादा रन थे। वेणुगोपाल ने इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपने 65 मैच खेले और वो डेक्कन चार्जर्स सहित दिल्ली डेयरडेविल्स और इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2009 में खिताब जीतने वाली डेक्कन चार्जर्स टीम का हिस्सा थे। राव ने आईपीएल में 3 अर्धशतक लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 117 का रहा। तो जैसा कि आपने देखा कि वेणुगोपाल राव ने कितने सारे रन बनाए और जिसकी वजह से 2 डबल सेंचुरी पार्टनरशिप और उनका करियर बदल गई। तो ये युवराज सिंह का साथी था जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन इस खिलाड़ी ने काफ़ी कुछ सीखा और एक समय पे इंग्लैंड को भी बड़ी चुनौती दी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर।